हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे आईपीएम के बारे में। आईपीएम का जो है हम आपको लगभग 3 से 4 वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। आज हम बात करेंगे जो आपका कुछ पार्ट रह गया था उसके बारे में, ठीक है। तो और देखिए, जानकारी के लिए बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे स्टडी विद टैलेंटेड बॉय, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको लगातार अपडेशन मिलते रहे और जो है आपको वहां पर पीडीएफ के माध्यम से या फोटोज के माध्यम से आपको नोट्स प्रोवाइड होते रहे, ठीक है। बात करेंगे कुछ ऐसे केमिकल कंट्रोल के बारे में, जैसे कुछ आपके ऐसे केमिकल जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपका पहला आता है डीडीटी। डीडीटी का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। इसका पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन होता है। इसे हम मैजिकल प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? इसे हम मैजिकल प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज मीन्स डीडीटी की खोज जेडलर नामक वैज्ञानिक ने सन 1874 ईस्वी में की थी। कब की थी? जेडलर नामक वैज्ञानिक ने सन 1874 ईस्वी में की थी। इसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज को मुलर ने बताया था। कब बताया था? 1939 ईस्वी में बताया था। इन्हें जो है फिजियोलॉजी और मेडिकल के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया या नवाजा गया। कब? 1948 ईस्वी में, ठीक है। 1948 ईस्वी में मुलर को मेडिकल क्षेत्र में और आपके फिजियोलॉजी के एरिया में इनको जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया। कब किया गया? 1948 ईस्वी में। उसके बाद आपका जो दूसरा केमिकल है वह आता है आपका बीएचसी। बीएचसी का पूरा नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। क्या होता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। और इसे जो है हम HCH मीन्स हेक्सेन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन के नाम से भी जानते हैं और इसे हम 666 के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? 666 के नाम से। और बीएचसी का जो फॉर्मूला होता है वह होता है C6H6Cl6, इसीलिए इसे हम 666 के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक ने इसे डिस्कवर किया था 1825 ईस्वी में। ट्रेड नेम इसका गैमेक्सिन और लिंडेन होता है। क्या होता है? ट्रेड नेम इसका गैमेक्सिन और लिंडेन होता है, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी बीएचसी के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट आपके फ्यूमिगेंट्स आते हैं, जैसे आपका फ्यूमिगेंट्स को हिंदी में धूम्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? धूम्रक कहते हैं। धूम्रक में आपका जो पहला आता है उसका नाम होता है सेल्फास। तो सेल्फास का जो साइंटिफिक नेम, सॉरी, सेल्फास का जो केमिकल नेम होता है वह होता है आपका एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इसका जो है साइंटिफिक नेम होता है। और साइंटिफिक नेम के अलावा इसका जो कंटेंट होता है वह होता है आपका एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की मात्रा उसमें 55% होती है। अमोनियम कार्बोनेट की मात्रा किसकी? अमोनियम कार्बोनेट की मात्रा 40% होती है और अमोनियम ऑक्साइड की मात्रा लगभग 5% होती है। तो यह इसका कंटेंट होता है। पूछ लिया जा सकता है कि इसके कंटेंट में क्या क्या मिलाया जाता है, तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। सेल्फास जो है यह आपका सोसाइडल तरीके से इसका प्रयोग किया जाने लगा है। तो पहले यह टैबलेट फॉर्म में आता था, लेकिन अब यह पाउडर के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? पाउडर के रूप में। पहले टैबलेट के रूप में आता था, तो पहले टैबलेट इसकी 3 ग्राम की एक टैबलेट आती थी। एक टैबलेट 3 ग्राम की आती थी और 3 ग्राम की टैबलेट 1 ग्राम फॉस्फीन गैस को रिलीज करती थी। लेकिन अब क्या हो गया? अब जो है यह टैबलेट फॉर्म में ना आकर के यह जो है आपके पाउडर के फॉर्म में आती है और वह पाउडर का पाउच आता है, वह 10 ग्राम का पाउडर का पाउच आता है। इससे पूछा जाने वाला क्वेश्चन यह है कि जो है आपका एक प्रति टन के हिसाब से सेल्फास का कितने मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो सेल्फास की यदि आप टैबलेट फॉर्म में दे रहे हैं तो 2 टैबलेट 1 टन के लिए सफिशियंट होती है और 1 पाउच 1 टन के लिए सफिशियंट होता है, बिकॉज वह 10 ग्राम का होता है और 1 टैबलेट 3 ग्राम की होती है, ठीक है। उसके अलावा आपके मिथाइल ब्रोमाइड और ईडीबी एथिलीन डाइब्रोमाइड, यह आपके जो है फ्यूमिगेंट्स होते हैं। उसके अलावा बेंट इंसेक्टिसाइड मीन कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड जिनका प्रयोग करना भारत देश ने बंद कर दिया या भारत देश में बंद हो गया, जैसे आपका एल्डिकार्ब, एल्ड्रिन, डाइएल्ड्रिन, बीएचसी, मैलिक हाइड्रोजाइड, एंड्रिन, नाइट्रोफेन, कैल्शियम साइनाइड, मिथोमिल, निकोटीन सल्फेट, ठीक है। तो इनका प्रयोग जो है आप भारत देश में नहीं होता है, मीन अपने इंडिया में नहीं होता है। बेंड इंसेक्टिसाइड, ये जो है आपके बेंड इंसेक्टिसाइड है, इनका प्रयोग नहीं होता है। तो हो सकता है कि पूछ ले आपसे कि इनमें से किसी एक को ऑप्शन में दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा आपका जिसका प्रयोग बाधित कर दिया गया है अपने इंडिया में नहीं होता है। उसके अलावा कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड जो कि आपसे डायरेक्टली परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, और जैसे आप कभी फील्ड में स्प्रे करने के लिए या उसका अप्लाई करने के लिए कुछ इंसेक्टिसाइड को लेकर आते होंगे तो आपने देखा होगा कि उसमें कुछ इंडिकेट होता है कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल बना होगा, उसमें या तो आपका हरा कलर मिलेगा, आपको रेड कलर मिलेगा, येलो कलर मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा, ठीक है। तो ये कलर आपको उसमें देखने को मिलेंगे और उसमें कहीं तो पॉइजन लिखा मिलेगा, कहीं उसमें डेंजर लिखा मिलेगा, कहीं उसमें कॉशन लिखा मिलेगा। तो उस चीजों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए।
यदि एक्सट्रीमली टॉक्सिक होगा, एक्सट्रीमली टॉक्सिक का मतलब वह बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक मीन्स विषैला होगा, यदि इंसेक्टिसाइड भाई आपका बहुत ही ज्यादा विषैला है तो इस ट्रायंगल में रेड कलर भरा जाएगा। कैसा कलर? रेड कलर भरा आपको मिलेगा, ठीक है। यदि किसी इंसेक्टिसाइड को आप खरीद रहे हैं और उसमें यदि रेड कलर भरा है तो समझ लीजिए यह बहुत ही ज्यादा हानिकारक, बहुत ही ज्यादा विषैला है। और उस पर जो है पॉइजन लिखा मिलेगा आपको। क्या पॉइजन? पॉइजन का मतलब होता है विष या जहर। हाईली टॉक्सिक, यदि वह बहुत ही ज्यादा हाईली टॉक्सिक तो उसमें येलो कलर यहाँ पर भरा मिलेगा, ठीक है, यानी कि एक्सट्रीमली से थोड़ा कम। और हाईली टॉक्सिक तो जो है येलो कलर आपको यहाँ पर भरा मिलेगा और उसमें पॉइजन लिखा होगा। कहाँ पर? यहाँ पर उसमें पॉइजन लिखा होगा, ठीक है। मॉडरेट टॉक्सिक, मॉडरेट टॉक्सिक का मतलब होता है, मॉडरेट टॉक्सिक में यहाँ पर आपको ब्लू कलर भरा मिलेगा और उसमें जो है डेंजर लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? डेंजर। और स्लाइटली टॉक्सिक, स्लाइटली टॉक्सिक में यहाँ पर आपको ग्रीन रंग भरा मिलेगा और यहाँ पर जो है कॉशन लिखा मिलेगा। कॉशन, कॉशन में आपको कुछ इस प्रकार से लिखा मिल सकता है कि इसको अपने मुंह पर ना जाने दें या अपने शरीर की त्वचा से टच ना होने दें, इस प्रकार से, नहीं तो आपको एलर्जी या कुछ कुछ बीमारी हो सकती है, इस प्रकार से इसमें जो है लिखा मिलेगा। तो ये बात थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए अब बात करेंगे बायो इंसेक्टिसाइड के बारे में। देखिए कुछ ऐसे बायो इंसेक्टिसाइड जो आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, परीक्षा में पूछे जाने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए जैसे आपका बायो इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है वह पूर्णतः आपके पेड़ पौधों के द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हीं का कोई एक ऐसा अंश होता है उन्हीं द्वारा बनाए जाते हैं, इनमें किसी भी प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो देखिए बात करें तो जैसे आपका नंबर एक पर आता है पाइरेथ्रिन। पाइरेथ्रिन जो होता है यह आपका किसके द्वारा बनाया जाता है? पाइरेथ्रम होता है, आपने सुना होगा पाइरेथ्रम। पाइरेथ्रम को हिंदी में गुलदावरी कहते हैं। गुलदावरी का जो पुष्प होता है उसी के द्वारा बनाया जाता है। गुलदावरी का साइंटिफिक नेम क्राइसैंथेमम सिनेरेरी फोलिया होता है। क्या होता है? क्राइसैंथेमम सिनेरेरी फोलिया होता है, उसके फ्लावर से पाइरेथ्रिन प्राप्त किया जाता है और इसका प्रयोग करके, इसका प्रयोग हम बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में करते हैं, ठीक है। निकोटीन का प्रयोग किया जाता है। निकोटीन का मतलब होता है, निकोटीन हमें कहां से? टोबैको से प्राप्त होती है। किससे? टोबैको से प्राप्त होती है। तो यह निकोटीन किससे प्राप्त होती है? निकोटीन टोबैको की पत्तियों से प्राप्त होती है। तो हो सकता है कि पूछ ले कि निकोटीन है वह किससे प्राप्त होती है, पौधे किस भाग से? तो वह लीफ से प्राप्त होती है, ठीक है। रेसिनिन, रेसिनिन जो है यह आपका रिसिनस कॉम्बिनस, रिसिनस कॉम्बिनस का मतलब है अरंडी, या आप जिसे रंडी बोलते हैं, उससे प्राप्त होता है। और यह पौधे के कौन से भाग से? तो सीड से प्राप्त होता है। किससे? सीड से। और उसके अलावा अजैडिरेक्टिन, अजैडिरेक्टिन, अजैडिरेक्टिन किससे प्राप्त होता है? मरगोसा से। मरगोसा किसे कहा जाता है? नीम को। और नीम जो होता है उसका साइंटिफिक नेम अजैडिरेक्टस इंडिका होता है। क्या होता है? अजैडिरेक्टस इंडिका होता है। नीम को वंडर ट्री भी कहा जाता है। नीम को क्या कहा जाता है? वंडर ट्री भी कहा जाता है। और यह जो है नीम की लीफ एंड सीड से प्राप्त होता है। किससे? लीफ एंड सीड से प्राप्त होता है। नीम में बहुत सारे ऐसे अल्कलॉइड पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होते हैं, लेकिन नीम में कुछ एक ऐसा एंजाइम या कुछ एक ऐसा अल्कलॉइड पाया जाता है जो कि हमारे लिए घातक होता है, जिसका नाम है PTTH। PTTH एक साइड इफेक्ट करता है, जिसका जो क्या करता है, इसका पूरा नाम होता है प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन। प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन यही एक ऐसा पदार्थ है जो कि आपका नीम का साइड इफेक्ट, नीम में साइड इफेक्ट करता है। बाकी सभी चीजें आपकी नीम से प्राप्त होने वाली सभी चीजें हम लोगों को लाभदायक होती हैं, लेकिन PTTH यही एक आपका साइड इफेक्ट होता है नीम के, नीम में, ठीक है। मरगोसा में, सॉरी। डिटॉक्सिफिकेशन किसे कहा जाता है? डिटॉक्सिफिकेशन हो सकता है कि पूछ ले आपसे। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है टॉक्सिक टू नॉन टॉक्सिक, मीन टॉक्सिक कोई किसी चीज, एक चीज आपकी टॉक्सिक है उसे यदि हम नॉन टॉक्सिक में बदल देते हैं तो वही आपकी डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। जैसे आपका DDT है, आपका एक केमिकल था, DDT को हमने DDE में बदल दिया, DDT का को हमने DDE में कन्वर्ट कर दिया, किसके कारण? डाई हाइड्रोक्लोरिनेज एंजाइम के कारण। किसके कारण? डाई हाइड्रोक्लोरिनेज एंजाइम की उपस्थिति में हमने DDT को DDE के रूप में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि यह टॉक्सिक था अब यह नॉन टॉक्सिक हो गया। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं, इनके पूरे नाम पूछ जा सकते हैं, जैसे LD50। LD50 का पूरा नाम होता है मीडियन लीथल डोज। क्या होता है? मीडियन लीथल डोज। RL50 का पूरा नाम मीडियन रेसिडुअल लाइफ होता है, या फिर इसे हम रेसिडुअल लाइफ 50 भी लिख सकते हैं। LD50 को लीथल डोज 50 भी लिख सकते हैं। और वैसे यदि इसका पूरा नाम पूछा जाएगा तो LD50 का पूरा नाम मीडियन लीथल डोज होता है।
RL50 का पूरा नाम मीडियम रेसिडुअल लाइफ होता है, MRL का पूरा नाम मैक्सिमम रेसिडुअल लिमिट होता है, LC50 का पूरा नाम मीडियम लीथल कंसेंट्रेशन होता है, KD50 का पूरा नाम मीडियम नॉकडाउन होता है। क्या होता है? मीडियम नॉकडाउन होता है। और उसके अलावा IGRS की बात करें हम तो यह IGRS जो होता है आपका थर्ड जनरेशन ऑफ पेस्टिसाइड भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे जो है थर्ड जनरेशन का पेस्टिसाइड भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके अलावा थर्ड जनरेशन के पेस्टिसाइड के अलावा इसे जो है इसमें PTTH होता है, तो जो है PTTH को हम ब्रेन हार्मोन और नर्व हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? PTTH को ब्रेन हार्मोन, यानी कि ये वही PTTH जो कि आपके नींद में पाया जाता है, मरगोसा में पाया जाता है, जिसका पूरा नाम प्रोथोरेस्कोट्रोपिक हार्मोन होता है, यह आपके ब्रेन में पाया जाता है। नर्व हार्मोन यह जो है ब्रेन हार्मोन भी इसे कहा जाता है और इसे नर्व हार्मोन भी इसे कहा जाता है। जुवेनिल हार्मोन को यंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? यंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पैरासिटोइड के बारे में। इतने पैरासिटोइड आप याद कर लेना, इन्हीं में से कोई एक पैरासिटोइड आपसे पूछ लिया जाएगा। देखिए जैसे पूछ लिया जाएगा कि पोटैटो ट्यूबर मौत के लिए किस पैरासिटोइड का प्रयोग किया जाता है, किसका? पोटैटो ट्यूबर मौत के लिए किस पैरासिटोइड का प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है आपका ब्रेकोन गैल्ची आपका पैरासिटोइड होता है जिसका प्रयोग पोटैटो ट्यूबर मौत के लिए किया जाता है। और पोटैटो ट्यूबर मौत का जो साइंटिफिक नेम होता है वह होता है थॉर्मिया अपेर कोलेल्ला। क्या होता है? थॉर्मिया अपेर कोलेल्ला। एफिलेकस माली का प्रयोग वुली एफिस ऑन एप्पल के लिए किया जाता है। किसके लिए? वुली एफिस ऑन एप्पल के लिए एफिलेकस माली का प्रयोग पैरासिटोइड के रूप में किया जाता है। टीलोनोमस वेनिफिशियंस का प्रयोग सुगर केन टॉप बोरर के लिए किया जाता है। एपिरिकेनिया मेलिनोल्यूका सुगर केन लीफ हॉपर के लिए एपिरिकेनिया मेलिनोल्यूका का प्रयोग किया जाता है। ट्राइकोग्रामा चिलोनिस का प्रयोग सुगर केन स्टेम बोरर के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा ट्राइकोग्रामा जपोनिकम का प्रयोग पैडी स्टेम बोरर के लिए किया जाता है और ट्राइकोग्रामा एम्ब्रियोफैगम का प्रयोग कॉडलिंग मौत के लिए किया जाता है। इनमें से आपके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका ट्राइकोग्रामा चिलोनिस और ब्रेकोन गैल्ची, आप ये दो महत्वपूर्ण है, इनको जरूर आप याद कर लेना। इन्हीं में से शायद है किसी एक को आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ब्रेकोन गैल्ची और ट्राइकोग्रामा चिलोनिस के बारे में, इन्हीं दो में से किसी एक के बारे में, या हो सकता है कि दोनों के बारे में पूछ ले, इन्हीं से आपका कोई ना कोई आपका एक पैरासिटोइड फंस जाएगा, ठीक है। तो इतना आप तैयार कर लेना, ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे प्रीडेटर के बारे में। प्रीडेटर, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीडेटर है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे आपका रोडोलिया कार्डिनेलिस या आपका एक प्रीडेटर होता है, इसका प्रयोग हम करते हैं कॉटनिक्यूजन स्केल के लिए। किसके लिए? कॉटनिक्यूजन स्केल के लिए, जिसका साइंटिफिक नाम क्वाड्रास्पिड्यूटस परनिशियोसिस होता है, ठीक है। उसके अलावा क्राइसोपरला कॉर्निया का प्रयोग एफिड के लिए किया जाता है। कॉक्सिनेला सेम्पंकाटा का प्रयोग भी एफिड के लिए किया जाता है। एंथिया सेक्स गुलाटा का प्रयोग व्हाइट ग्रब के लिए किया जाता है। व्हाइट ग्रब को हम हिंदी में सफेद गिटार कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेद गिटार कहा जाता है। और मेंटिस रेलिगोसा का प्रयोग हार्ड बोर्डेड इंसेक्ट के लिए किया जाता है। प्लेटी गैस्टर ओराइजी का प्रयोग राइस गालमिज के लिए किया जाता है। किसके लिए? राइस गालमिज के लिए। और युगलेंडिना रोजिया का प्रयोग जाइंट अफ्रीकन स्नेल के लिए किया जाता है। तो देखिए इसमें से आपका रोडोलिया कार्डिनेलिस आप याद कर लेना, एंथिया सेक्स गुलाटा पक्का याद कर लेना, उसके बाद युगलेंडिना रोजिया, इन तीन में से कोई एक आपको मिल जाएगा। और इंपॉर्टेंट यदि आप याद कर सकें तो ये सभी याद कर लेना, इनमें से आपका कोई ना कोई पक्का समझ में पक्का आपका उसमें पेपर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी जानकारी। और इसका जो कुछ पोर्शन रह गया है आपका रेट वाला, जैसे उसके नाम कुछ याद कर लेना, इनके इंसेक्ट कैसे बनते हैं निमेटोड के बारे में, बिकॉज टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है, इसलिए हम आपको पूरा कराने में असमर्थ हैं। सो प्लीज उसे भी पूरा देख लीजिए, जितना हमसे हो सका उतना हमने करवा दिया, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।